हेलो बच्चों, तो आज आ गए हैं आईएससी 2025। जो बच्चे देने जा रहे हो उसका जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन तुम लोग समझ ही सकते हो, तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है। ओके, तो एक साथ मैं डिस्कस करूंगा तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज मैं डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो कि क्लास 12 में ये टोटल 9 चैप्टर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके बच्चों, अब आज हम लोग जो करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड उसके साथ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हो कि थ्योरी, अपना जो थ्योरी पेपर है दैट इज 70 मार्क्स। ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, देखो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यहां पर तो मोटा मोटा सब कुछ दे दिया गया है, अब इसके अंदर और क्या क्या है वो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखो, ए में हमें जो करना है दैट इज कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ हमें डिस्कस करना है, उसको हमें जानना है, उसका ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज ये हमें जानना है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब यहां पर जो भी चीज हम लोग करेंगे, जो भी कूलम्स लॉ का जो भी एप्लीकेशन करेंगे, ज्यादा ज्यादातर वो फ्री स्पेस में ही करेंगे, मतलब जहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट लिया जाएगा। एंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और अगर उसके साथ जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया जाएगा उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब फ्रिक्शन से कैसे चार्ज को पैदा किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयॉन्स। ओके, मतलब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर के जो ऑर्बिट्स है उसमें घूमता रहता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है किसी भी पेरेंट एटम से, उसके बाद वो जो एटम होता है वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। नेक्स्ट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, यहाँ पे कंडक्टर्स इंसुलेटर्स, और इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर में कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे बच्चों। देन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसके बारे में जानेंगे। ओके, नेक्स्ट, कंपैरिजन विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, और कूलम्स लॉ ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ओके, तो इन दोनों के बीच कंपैरिजन और इन दोनों कंसेप्ट को मिला के न्यूमेरिकल, ये भी आजकल बोर्ड में आ सकता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब अगर किसी भी जगह पर दो से ज्यादा चार्जेस रहे, अगर दो चार्जेस रहे तो कूलम्स लॉ लगाएंगे, अगर दो से ज्यादा चार्जेस रहे तब हम लोग वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, मतलब किसी भी एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा उसको निकालने के लिए, तो वो हम लोगों को जानना पड़ेगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में न्यूमेरिकल्स आता है हर साल, तो इसको भी अच्छे से करके रखना पड़ेगा बच्चों। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज बी। बी में कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फील्ड ये जानेंगे, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। देन ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इनिशियल फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, इसके बारे में जानना पड़ेगा, जहां पर क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के बारे में जानेंगे बच्चों। ई फॉर अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, मतलब अगर एक नंबर ऑफ चार्जेस है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर हम लोग
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे बच्चों. नेक्स्ट, अ पॉइंट चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई. मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है तब क्या डायरेक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है तब क्या डायरेक्शन होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे. नेक्स्ट, इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दैट इज लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इन तीन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, आ जाएंगे सी में, विच इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी हम लोग कहते हैं, इसके बारे में ऑब्वियसली अच्छे से जानना पड़ेगा. अ कन्वीनियंट वे टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जस्ट छोटे तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को बताया गया है. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो अच्छे से जानना पड़ेगा क्योंकि वहां से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा. एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा वो जानना पड़ेगा. डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, टू सिमिलर चार्ज के लिए मतलब दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ स्मॉल डिस्टेंस. फोर, यूनिफॉर्म फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट. मतलब अगर एक दो प्लेट है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, और उन दोनों प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है वो हम लोगों को जानना पड़ेगा बच्चों. यहाँ पर आ जाएंगे डी में, विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम लोगों को जानना पड़ेगा. और फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, मतलब जहां पे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 12 होता है, उसके लिए भी हमें जानना पड़ेगा. मतलब जो डेरिवेशन होगा वो डेरिवेशन को हमें यहां तक डिराइव करना पड़ेगा. और एक चीज बता देता हूं बच्चों कि इन दोनों डेरिवेशन से एक डेरिवेशन हर साल आएगा. इस साल भी आया था मतलब 2024 में, अगले साल भी कोई ना कोई एक आएगा. डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखा जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है जीरो. टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई. इसका जो डेरिवेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है. आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज ई. ई में आ जाएगा गॉस थ्योरम, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर. आज भी स्टेट गॉस थ्योरम ये वाला क्वेश्चन आता है आईएससी में. द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर क्यू इज इक्वल टू वी ए फॉर वेलोसिटी वेक्टर, वी पैरेलल टू ए, ए इज एरिया वेक्टर. सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें जानना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वेक्टर फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी जो ई और ए का डॉट प्रोडक्ट से बनता है, ये हमें जानना पड़ेगा. अगर एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, ओके, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी हमें जानना पड़ेगा. पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो फ्लक्स के बारे में जानना पड़ेगा. मतलब जब ई और ए के बीच एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री होता है, उस कंडीशंस में क्या फ्लक्स होता है, क्या साइन होता है फ्लक्स का, इन सब के बारे में भी हम लोगों को जानना पड़ेगा बच्चों. आ जाएंगे नेक्स्ट गॉस थ्योरम, ओके. गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसके साथ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सब फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब भी हमें जानना पड़ेगा. अ क्लोज सरफेस क्यू इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, ये सब हम लोग जानेंगे. मतलब हम गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ के साथ साथ ही ये सब चीज हम लोग पढ़ लेंगे बच्चों. ये सब कुछ मैं अपने वीडियो में टॉपिक वाइज तुम लोगों को समझाऊंगा, और उसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो भी मैं तुम लोगों को समझाऊंगा बच्चों. आ जाएंगे इसके एप्लीकेशन में, गॉस लॉ के एप्लीकेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी वी आई लिख देता हूं मैं यहां पर. ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ई ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड. हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसके तीन केसेस होता है, एक आउटसाइड, एक ऑन द सर्फेस, एक इनसाइड. इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को जानना पड़ेगा. उसके साथ साथ ग्राफिकल वेरिएशन ई वर्सेस आर फॉर अ थिन स्फेरिकल शेल भी हमें जानना पड़ेगा. ओके बच्चों, ये ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट इज
ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस. अब आ जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. मतलब देखो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस. तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट ए है जो मोटा मोटा दिया गया है वो हम लोग नहीं देखेंगे, एकदम इन डेप्थ मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा बच्चों. सबसे पहले ए में कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में जानेंगे. इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है उससे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेरिवेशन होता है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, वो डिराइव करके दिखाएंगे. मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को बच्चों. ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ ई एंड वी वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर एंड पोटेंशियल वर्सेस आर. ओके, ये जो फॉर्मूला थे मतलब एक पॉइंट में पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, इन सब का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग अच्छे से जानेंगे, उसको डिराइव भी करेंगे बच्चों. ऑल्सो VA इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला, ये सब conditions के लिए हम लोग जानेंगे. फॉर अ कलेक्शन ऑफ चार्ज V इज इक्वल टू algebraic सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्जेस. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसीलिए algebraic सम करेंगे तो चल जाएगा. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा. आ जाएंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल फॉर एक्सियल पोजीशन एंड फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसके लिए भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था फॉर शॉर्ट डाइपोल, इसके लिए भी फॉर शॉर्ट डाइपोल हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा फॉर बोथ द केसेस. और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लेस्ड एट अ पॉइंट P वेयर पोटेंशियल इज V. Is U is equal to QV, del U is equal to this much. The electrostatic potential energy of a system of two charges, work done is this much, assembling. तो देखो बच्चों, एक dipole को अगर अगर एक charge को अगर एक electric field में रखा जाए तो उसमें जो उसका potential energy होगा वो हम लोग जानेंगे. और अगर एक system of charges है, मतलब system of two charges या system of three charges, उसके लिए जो potential energy होगा वो concept हम लोग जानेंगे, और उससे numericals बहुत ही ज्यादा आता है. ये वाला formula हम लोग वहां पे use करें. For a dipole in uniform electric field, derive an expression for the electric potential. अगर एक dipole को electric field में रखा जाए तो उसके ऊपर जो potential, उसका जो potential energy होता है वो हम लोग जानेंगे, जिसका expression होता है U is equal to minus P dot E, और उसका जो special cases होता है that is 0 degree, 90 degree and 180 degree. okay? और यहां पर हम लोग stable equilibrium और unstable equilibrium के बारे में भी जानेंगे. आ जाएंगे next topic में, which is B, capacitance of a conductor. अब आ जाएंगे capacitance में. capacitance of a conductor C is equal to Q by V. Obtain the capacitance of a parallel plate capacitor, इसका जो expression है ये जानेंगे. Next, equivalent capacitance for a capacitor in series and in parallel combination. कोई भी एक जरूर आएगा बच्चों, जरूर आएगा. Okay, for sure. जैसे इस साल series आया है, अगले साल parallel आ सकता है या series भी आ सकता है, हमें पता नहीं. हम लोग दोनों ही करेंगे अच्छे से. एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर व्हिच इज हाफ सीवी स्क्वायर या हाफ क्यू भी या हाफ क्यू स्क्वायर वैसी, और एनर्जी डेंसिटी. लेकिन इसका जो डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन नहीं होगा बच्चों. ओके, मतलब एकदम सीबीएसई के साथ लाइन बाय लाइन, एकदम साइड बाय साइड आईएससी का सिलेबस भी चल रहा है. सीबीएसई का सिलेबस तुम लोग देखोगे तो वहां पर देखोगे, यहाँ पर वहां पर एकदम ब्रैकेट में लिख दिया गया है डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस केस. ओके, तो ऐसे ही आईएससी में भी ये नहीं रहेगा इसका डेरिवेशन. ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज सी. तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. This is also called relative permittivity. इनका जो expression है वो हम लोग जानेंगे. Elementary ideas of polarization of matter in a uniform electric field, quantitative discussion. Okay? Qualitative discussion. मतलब इसका जो qualitative discussion है वो पढ़ेंगे, यहां से कोई numericals आने वाला नहीं है. Included surface charges weaken the original field, result in reduction E in potential difference for charge remaining for the same Q is equal to CV. ये जो ये मैं एक साथ तुम लोगों को बता देता हूं बच्चों, ये मतलब जब एक कैपेसिटर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम रहता है, और दूसरा केस में अगर उसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को घुसाया गया है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो इसमें उसका चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, इनमें कैपेसिटेंस, इनमें क्या चेंजेस आता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे बच्चों.
आ जाएंगे फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डायलेक्ट्रिक इन बिटवीन, ये सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया है. ओके अब पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो हम लोग अच्छे से जाने. ओके बच्चों, इसके डेरिवेशन भी मैं तुम लोगों को समझा दूंगा, हालांकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन बोर्ड्स पर्सपेक्टिव. ओके लेकिन कॉम्पिटेटिव में ऐसा क्वेश्चंस बहुत आता है, तो इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से जान के रखेंगे और इसका न्यूमेरिकल भी आएगा, तो इसीलिए इसको जान के रखना जरूरी है. आ जाएंगे नेक्स्ट. तो बच्चों ये था अपना इलेक्ट्रिक, ये था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके ये फुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सिलेबस है, मैं तुम लोगों के सामने अच्छे से इसको डिस्कस किया. ओके अब नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक वाइज तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझाऊंगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है वो तुम लोगों को अच्छे से करवाऊंगा. ओके बच्चों तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ क्लास 12, तो मिशन बोर्ड्स लेट्स क्रैक इट. ओके बच्चों थैंक यू.